टीवी सीरियल्स। जी हाँ, मुस्कान में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से रौनक और मुस्कान की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन भाई बीच में आ जा रहा है इनके प्यार के बीच में कोई और। जी हाँ, किस तरह से काजोल इनके प्यार के बीच में आ रही है और वो बार बार मुस्कान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आज क्या होने वाला है सीरियल में, ये आपको पता चलेगा कि आखिर किस तरह से रौनक कौन सा सरप्राइज देने वाला है मुस्कान को। देखिए वीडियो। ओके okay, तो आज मतलब इतने इंतजार के बाद अब डेट पे गई थी, तो कैसी लगी आपको डेट? पहले तो ये बताइए। डेट को ट्रिपल डेट बना दिया है, भंग कर दी है डेट हमारी प्यारी सी बच्ची ने, मेरी बच्ची ने। कैसे, क्यों? मैंने डेट में आके चार चांद लगा दिए। मैंने मम्मा को रोलर कोस्टर राइड पे बिठाया अपनी कार में और पूरी दुनिया की सैर कराई। मतलब दुनिया उल्टी हो गई पूरी, इतनी अच्छी सैर कराई। मतलब कह सकते हैं डेट एकदम जान लेने पे आ गई थी, डेट के नाम पे। ये वही तो इसका मोटिव है, शक्ल पे मत जाओ। नहीं, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ अपनी मुस्कान मम्मा से। इरादे बहुत खतरनाक है इस लड़की के, कभी चाकू से वार करती है, कभी गला दबाती है, अभी आज तक गिराने वाली है, बहुत कुछ करती है। और क्या इरादे हैं काजल, आप बताएं? मैं तो मम्मा को रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाना चाहती हूँ ताकि कार आए और मम्मा को उड़ा दे और वो मेरा रास्ता साफ हो जाए। क्लियर कट, शी हैज हर थिंग्स सॉर्टेड इन हर हेड, बट मम्मा बच जाती है हर बार। ओके मुस्कान, आपको कैसा लग रहा है, मतलब इतने टाइम बाद अब इजहार होने वाला है रौनक के साइड से, तो पता नहीं है मुस्कान को ऐसा होने वाला है। रौनक कर रहा है अपनी ओर से, मेहनत करे जा रहा है बेचारा, पर बार बार कोई तो भंग कर रहा है प्यार में। किसी की तो नज़र है हमारे प्यार पे लग रही है बार बार। मैं एक्चुअली मुस्कान से बहुत प्यार करती हूँ ना, इसीलिए मैं उसके सारे प्लान्स फेल करती हूँ, क्योंकि मुझे मुस्कान चाहिए। अच्छा। ओके, लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो ट्विस्ट आ रहा है उसके बारे में? यही करती है सारी चीज़ें ट्विस्ट, इसको ही पूछो क्या ट्विस्ट करने वाली हो अब लाइफ में। अभी फिलहाल पुलिस आ गई है ना, तो मेरी लाइफ एकदम ट्विस्ट हो गई है, तो जो मैंने पास्ट में कांड किए मैं उसको ठीक करने में लगी हूँ, और उसको ठीक करने के चलते चलते मैं इनके भी थोड़े प्लान्स में उंगली करती रहती हूँ। बहुत बिजी है, बहुत टाइट स्केड्यूल है मैडम का बिगाड़ने में चीज़ें। हाँ, थैंक यू। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।